सेकंड नंबर हम पढ़ेंगे एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप को हम लोग सेकंड नंबर में पढ़ेंगे, एल्कोहल ग्रुप्स। एल्कोहल ग्रुप्स का जो फंक्शनल ग्रुप है ये है इसकी पहचान, यानी किसी के साथ सिंगल बॉन्डिंग के साथ अगर ओ एच लगा है तो समझ लेना ये इसका फंक्शनल, पूछेगा कि किसका फंक्शनल ग्रुप है तो एल्कोहल का है ये। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ओ एच, वेयर एन इज इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री, आगे भी इसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम एन की जगह पर वन ले यानी वन कार्बन एटम ले तो सी, और टू वन जा टू सी एच थ्री ओ एच, तो आप जान रहे हैं कि ये कार्बन का वन एटम है और ये एल्काइल ग्रुप है। अगर ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ये बताया है आपको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन का वन एटम है तो एथाइल एल्कोहल, तो जनरल नेम जो होता है इसका इथाइल एल्कोहल, सॉरी मिथाइल, सिंगल है ना, मिथाइल एल्कोहल, एथाइल नहीं मिथाइल एल्कोहल, सिंगल कार्बन एटम है तो मिथाइल एल्कोहल रहेगा। एन के जगह पर अगर हम टू ले रहे हैं तो सी टू और टू टू जा फोर और वन फाइव ओ एच, ये हुआ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल। ठीक है, ये तो हुआ इसका जनरल नेम है ना, इसको हम लोग इसका जनरल नेम रखते हैं, लेकिन रूट वर्ड में ए नॉल जो ऐड कर देंगे रूट वर्ड में, यानी एल्केन्स जो होंगे जो भी एल्केन्स का मेंबर होगा उसमें अगर हम सफिक्स ए नॉल ऐड करते हैं तो उसका वो यूपेक नेम होगा। जैसे यहाँ पर हमारा एक कार्बन एटम है तो ये मिथ है, यहाँ पर मिथ हो गया, अब प्लस ए नॉल हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका मिथेनॉल। इसमें कार्बन हमारा टू एटम्स है यानी एथ है इसका रूट वर्ड, ये क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा। अगर तीन कार्बन एटम्स रहता तो प्रोपेनॉल, चार कार्बन एटम्स रहता तो ब्यूटेनॉल, ये इसकी पहचान। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका चेक कर लो, कोई एक का हम सपोज दैट इसका हम ले रहे हैं एथेनॉल का या एथाइल एल्कोहल का, एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल का अगर हम ले रहे हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पर, अब उसको देखो कैसे है, यहाँ पर ध्यान दो C2H5OH, C2H5 तो C तीन तो यहाँ हो गया है ना, अब यहाँ पर एक C दो यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तीन हाइड्रोजन यहाँ हो गए और दो हाइड्रोजन यहाँ हो गए, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसको हम कैसे लिख भी सकते हैं, देखो यहाँ पर कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन एटम्स है तो CH3 है, और दूसरे कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्डिंग है और उस कार्बन के साथ दो ही हाइड्रोजन है तो CH2 है और OH, ऐसे भी ये इसका फॉर्मूला लिखा रहेगा। इसी से पकड़ लेना है कि हमारा ये जो है सिंगल बॉन्डिंग है, कार्बन OH के साथ सिंगल बॉन्डिंग है और कहाँ पर कितने हाइड्रोजन आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डॉट अगर हम इसका करें
इलेक्ट्रॉनिक डॉट, पहले इलेक्ट्रॉनिक डॉट हम कर देते हैं, अब इसी का हम करते हैं सी क्रॉस, जो हम हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग है, ओ, तो ओ केस, ओ का ध्यान दो कि ओ में टोटल ऑक्सीजन के टोटल एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है, आउटर मोस्ट शेल में उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक यहाँ शेयरिंग कर रहा है क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है, यहाँ पर ध्यान दो, एक ये ओ का शेयरिंग हुआ, ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका 2, यहाँ पर हो गया आपका 2, एक यहाँ रख दे क्योंकि H में भी एक होता है तो एक ही शेयर करेगा ये। अब ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फार्मूला तुम कर सकते हो। अब इसको सर्कल करेंगे शेल के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, है ना, ये हो गया कार्बन के साथ ये वाला है, ठीक है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, अब यहाँ पर इसको हम सर्कल करेंगे तो यहाँ से ये अब ये ऑक्सीजन कर लेंगे तो यहाँ से, और ये हमारा हो गया हाइड्रोजन के लिए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला एल्कोहल का लिखा जाता है।